हमारा पेशेंट एक दिन से एडमिट है। पेशेंट ने बोला था थर्सडे को मैं जाऊंगी 10 मिनट के लिए घर। ये मानस ना ते गसी डिलीवरी ते गक घर गसी के ये नॉर्मल डिलीवरी त्रयो तो है पछि दमे दूद इम चाहे जान ना 10 दान ससन दावा पांच पांच नॉर्मल डिलीवरी ये कौन सा इंसाफ है। नॉर्मल डिलीवरी गस 10 दान ससन या ये मान नाइस दावा प थोक फ्रिज जस में चूर पात वन के सही लोग वे मिस दावा दब यस लोग न ते बेक सुन ये छ बेकिस पेशेंट अस खतरा आ नवक दावा अछि वन रात बाहे बज अस आई पेशेंटस हालत खराब अस करू तो सर्जरी अस करू सर्जरी पेशेंटस से यम छ वन सर्जरी इन जरूरत बुचस गसा निम साडी बाई बच्चा सा छन मूवमेंट करा के हन तब कि छ पेन हन वजह से मूवमेंट करा के हन यम छ वन 3 बजे सा करो बाहे बजे सा करो 5 बजे सा करो ये न वन वन अस करू सो प्राइवेट निमन क्या छ वन बाई बाई प्राइवेट नि उतरो दो पात बच्चा छ नसब यार बोन वथमत इन छ वन अस तो नि वन सा प्राइवेट अस कोस प्राइवेट निमन यम चोन अस पेशेंट चोर बज नॉर्मल डिलीवरी 6:30 कड़क नपर तो वन सो सो गोस डिलीवरी अस 6:30 कड़ पेशेंट नपर वो नॉर्मल थी वो सर्जरी थी वो क्या था ये कसाई है कि डॉक्टर है। हमें बोलिए हमें बच्चा के बदले बच्चा चाहिए। हमने एक प्रिलिमिनरी जो हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया हमने देखा एज पर मेडिकल एडवाइस सब कुछ नॉर्मली हुआ है पेशेंट ट्रीट हुआ मैनेज हुआ है जैसे एज पर मेडिकल एडवाइस होना था। मॉनिटरिंग ठीक से हुई है पेशेंट हैज़ बीन टेकन फॉर नॉर्मल डिलीवरी के लिए लिया गया है। फिर जब बच्चा पैदा हुआ है उसका स्कोर लो है पेशेंट को रेफ़र किया गया है ऊपर हमारा जो नियोनेटोलॉजी केयर है वहाँ पे तो वहाँ पे उसके वो उसकी डेथ हुई है। तो टेकिंग सोमोटो कॉग्निसंस इसका लेके ना हमारे पास ना तो अभी तक अटेंडेंट्स आए हैं ना तो हमने मगर टेकिंग इट्स कॉग्निसंस विल इन्वेस्टिगेट द मैटर विल सी क्या मसला है क्या है। वैसे हमारे हिसाब से अभी तक जो हमने प्रिलिमिनरी किया उसके हिसाब से तो ठीक चल रहा है। डॉक्टर्स ने भी मैनेजमेंट ठीक की है कोई भी अपनी तरफ से ये नहीं हॉस्पिटल कभी नहीं चाहेगा कि कुछ गलत हो जाए पेशेंट के साथ। सो वी हैव डॉक्टर्स हैव ट्राइड देयर बेस्ट बट वी विल इन्वेस्टिगेट वी अश्योर यू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।